नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक, पूर्व नेता, मंत्री और पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम ऑफिस पर रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान, विधान दल के नेता राजपाल बालियान और खतौली विधायक मदन भैया भी पहुंचे। यहां पहुंचकर सभी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोले रखा और सरकार से गन्ने का भाव घोषित करने में गन्ने का भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खतौली विधायक मदन भैया ने कहा कि सफलता सिर्फ दो कदम आगे है, निश्चित रहिए सफलता जरूर मिलेगी। प्रदेश से होती हुई पूरे देश में गूंजेगी। हम और हमारे नेता, हम और हमारा गठबंधन किसानों और कमेरों के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगा। साथ ही मैं जिला लोकदल को भी बधाई देना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों का सफल आयोजन करते हैं। वो अपना भी इसी तरह से जो जज्बा बनाए रखें, संगठन के साथ भी हमारे साथी विधायकगण मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।